इट्स ए सीजनल चेंज जो होनी है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। खासकर जो बड़ी नसीहत यह है कि जो हमारे आम जवानों के लिए, जो माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग घर में कहते हैं, उसी उसी का ध्यान देना। सुबह सवेरे ज़्यादा नहीं निकलना है, निकलना है काम के लिए तो कम से कम कपड़े गर्म पहनने हैं, खाने पीने का ध्यान रखना है, यही है। और खासकर जो है, जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे हैं, जैसे डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। खासकर क्योंकि आजकल जो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर थोड़ा कम रहता है, तो सर्दी की वजह से वो सुकड़ जाती हैं। सेम ऐसे ही होता है जैसे हमारे नल के सुकड़ जाते हैं, हम सर्दी की वजह से जो कैलिबर होता है, डायमीटर होता है, कम होता है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ सकता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शुगर लेवल्स बढ़ जाती है, उसका रीज़न ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है आमतौर उनको चलना फिरना ज़्यादा होता है, थोड़ा एक्सरसाइज पार्ट टाइम लेना होता है। बट दे कांट टेक इट राइट नाउ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो अगर सर्दी है, बाहर नहीं निकलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है आप सुबह सवेरे उठे और ये एक्सरसाइज करने। एनी टाइम इज बेस्ट फॉर द मोमेंट, यू कैन मूव अराउंड इन द मिड ऑफ द डे, अगर आपके पास टाइम है 4 बजे 5 बजे। लेकिन जब ठंड शुरू, उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें। और जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको रेगुलरली लेना चाहिए, और रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, अपने ECG वगैरह, ब्लड लेवल्स, वो सब, शुगर लेवल्स वो करनी चाहिए चेक, और नमक वगैरह जो भी हो वो कम करें। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है, जो भी वो फ्रॉस्ट बाइट वगैरह होता है, कश्मीर शू वगैरह बनना चाहिए, अभी उसका चांस नहीं है, लेकिन आगे चल के जब सर्दियाँ बढ़ेंगी ना, वो भी हो जाता है, उसके लिए भी ठीक है। यही माँ बाप जो बोलेंगे बच्चों को वही करना है, थोड़ी गर्मी वर्मी रखनी है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है ठंड में। तो अभी बर्फ़ भी आनी है, अभी इंशाल्लाह अच्छा मौसम आएगा, बर्फ़ में लोग एंजॉय भी करते हैं। वी कैन एन्जॉय एवरी सीज़न, जो अल्लाह ने सीजन दिए होते हैं सब अच्छे ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान व्यान रखना है। और जो पुरानी टेक्निक है वो सबसे बेटर है। जैसे गर्मी का इंतजाम हम करेंगे, सबके पास गैस तो है नहीं, सबके पास AC तो है नहीं, पावर का भी प्रॉब्लम रहता है, अपनी कांगड़ी वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करें, वो बेटर है। गर्म कपड़े पहने, वो अच्छे तरीके हैं, टाइमली टेस्टेड तरीके हैं, उनसे हम सर्दी से अच्छे से बच सकते हैं। देखिए, असल में जहाँ भी हम गैस वगैरह यूज़ करते हैं, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो आमतौर गैस बुखारी हम बोलते हैं, हीटर, उसमें मसला ये होता है कि जब आपको जलता ही रहता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभार CO लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लेवल बढ़ जाती है, वो लेवल बढ़ जाता है, उससे पॉइजनिंग होता है। उस पॉइजनिंग का अजीब तरीका यह है कि जब आप बैठे हैं कमरे में, गैस चल रहा है, आपको थोड़ा आराम आता है, उसका जो जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे थोड़ा मीठापन लगता है, उसकी टेस्ट स्मेल, और पता ही नहीं होता स्मेल का, लेकिन टेस्ट मीठा होता। अब बातें करते हो, आपको नींद आती है, आपको नींद आती है, इस तरह से आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, CO2 लेवल ज़्यादा होता है, वही वजह से उनका कार्डियक अरेस्ट होता है, सफोकेशन होती है, वो लोग मर जाते हैं। अल्लाह रहम करे, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे एपिसोड ऐसे भी हुए हैं। हमारा कमरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम 30% वेंटिलेशन हो। लेकिन आजकल क्या फैशन है कि अगर दीवार 10-15 फुट है, उसमें खिड़की है 12 फुट, तो फिर जब सर्दियाँ आती हैं फिर हम सोचते हैं उनको बंद करो, फिर हम पॉलिथीन लगाते हैं, कपड़े लगाते हैं, वो सब नहीं चाहिए। बट एटलीस्ट वेंटिलेशन चाहिए ही चाहिए, अच्छा सा हवा चाहिए, फ्रेश एयर आना चाहिए। अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं, रात को गैस ना यूज़ करें, दिन को यूज़ करें, और जब बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों उनके सामने ना रखें, तब उनके उनको वहाँ पे सुपरविजन होना चाहिए। और दूसरा, दरवाज़ा खुला रहे, जिस कमरे में गैस हो उसमें कम से कम दरवाज़ा या खिड़की खुली रहनी चाहिए, दैट इज़ मस्ट।